जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अपने खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शुक्रिया कहा। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि राजद्रोह केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्यवाही की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे राजद्रोह कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मिशनों से भटकाने के लिए किया गया है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार को राजद्रोह केस चलाने की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि पहली बार मुकदमे में चार्जशीट तब दाखिल की गई थी जब मैं चुनाव लड़ने वाला था और फिर से बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है जहां बीजेपी है और उस सरकार ने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक फायदे के लिए लटकाया गया था। अनुमति दी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे मौके पे दिया गया है कि उससे हर किसी को ये समझ में आ रहा है। पहली बार मुकदमा में चार्जशीट तब हुआ जब हम चुनाव लड़ने वाले थे और अभी फिर से जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है। कल ही हमने पटना में शानदार रैली की है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एनडीए की गवर्नमेंट है, जहां बीजेपी है और उस सरकार ने एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया है। तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है, राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है। लेकिन अब जब इसमें अनुमति दी गई है, हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए ताकि देश को पता चले कि कैसे देशद्रोह जैसे राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी हुई थी। दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी है। फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में पिछले साल जनवरी से फाइल अटकी हुई थी। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था।